मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में सरकार ने अपने लगभग सभी चुनावी वादे पूरे किए और राज्य में पार्टी को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। वहीं 100 दिन पूरे होने पर ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने शुक्रवार को मीडिया के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिंगाजी पावर प्लांट फेज 3 और 4 का मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उद्घाटन किया है। इससे हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ी है। साथ ही जनवरी 2019 में प्रदेश में पहली बार 14,000 मेगावाट बिजली की मांग पहुँची है, जिसे हमने पूरा किया है। वहीं पेपरलेस बिल भेजने के लिए भी ऐप तैयार किया है। जो हमारा पावर प्लांट है उसकी फेज 3 और फेज 4 का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, जिससे हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। साथ साथ जनवरी 2019 में 14,000 मेगावाट पार पहली बार प्रदेश के इतिहास में बिजली की मांग पहुंची और हमने उसको पूरा किया है। 61 लाख लगभग 61 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है और 100 यूनिट बिजली हम 100 रुपए में 61 लाख गरीब उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। साथ साथ ही इंदिरा किसान ज्योति योजना जो सफलता से मध्य प्रदेश में लागू की जा रही है, जिसमें 10 HP तक का विद्युत कनेक्शन का हमने बिल अदा किया है। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ अंकिता दीवान की रिपोर्ट।